दोस्तों नमस्कार, और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय सरगर्मियां बहुत जोरों पर हैं। तमाम राजनेता, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम वो लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, वो निगाह रखे हुए हैं हर एक विधानसभा सीट पर कि कहां क्या हो सकता है, कहां कौन से समीकरण बन सकते हैं, कहां किस नेता का प्रभाव अच्छा है, कौन से नेता को कहां भेजा जाए। ये तमाम बातें चल रही हैं आजकल, और इन सब के बीच में चाहे हम हैं या पॉलिटिकल एनालाइज करने वाले तमाम लोग भी राजनीतिक गतिविधियों पर निगाह रखे हैं और आपको जानकारी देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मौजूद हूं एक ऐसे विधानसभा को लेकर कि जहां पर केवल एक बार कांग्रेस के नेता विधायक बने, आजकल विधायक हैं। एक ऐसी विधानसभा जो 2007 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, लेकिन वहां पर दो बार यानी कि तीन चुनाव में से दो बार पिता पुत्र ही विधायक बने। ऐसी विधानसभा जहां पर कि आजकल एक बड़े नेता की निगाह है, बड़े नेता की, ऐसे नेता जो आने जाने के लिए मशहूर हैं, ऐसे नेता जिनके कई राजनीतिक मैदान बदले हैं, कभी वो उत्तर प्रदेश लड़ते हैं, कभी वो हरियाणा चुनाव लड़ते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं फरीदाबाद के पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना की, और जिस विधानसभा की बात कर रहा हूं वो विधानसभा का सीट का नाम है फरीदाबाद एनआईटी, एनआईटी की सीट, फरीदाबाद एनआईटी की सीट, जहां से आजकल कांग्रेस के विधायक हैं, पहली बार कांग्रेस के विधायक जहां मिले नीरज शर्मा के रूप में। अस्तित्व में आई फरीदाबाद एनआईटी की सीट 2007 के परिसीमन के बाद। 2009 में यहां पहला चुनाव हुआ और पहले चुनाव में यहां से विधायक बने पंडित शिवचरण शर्मा। 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे पंडित शिवचरण शर्मा, और पंडित शिवचरण शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए यहां एनआईटी को जीता, और एनआईटी के विधायक बनने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार थी, अल्पमत की सरकार, उसको समर्थन दिया, सरकार में वजीर रहे, सरकार में मंत्री रहे। 2014 का चुनाव आया, 2014 के चुनाव में इस फरीदाबाद एनआईटी सीट से जो विधायक बने वो बने नगेंद्र भड़ाना, इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर। भड़ाना साहब विधायक तो बने चश्मा पहन करके इनेलो के निशान पर। 2009 में भी नगेंद्र चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 2014 में चुनाव लड़े, इनेलो की टिकट पर समर्थन मिला, सहयोग मिला, चुनाव जीत गए, लेकिन इनेलो के सगे रहे नहीं, इनेलो को छोड़ दिया बीच मैदान में ही, इंडियन नेशनल लोक दल के छोड़ करके, और भारतीय जनता पार्टी का नगेंद्र भड़ाना ने साथ दिया। 2019 के चुनाव में पारितोषिक मिला भारतीय जनता पार्टी से नगेंद्र भड़ाना को, और वो कैंडिडेट हो गए बीजेपी के, लेकिन चुनाव जीती यहां से कांग्रेस, पंडित नीरज शर्मा यहां के विधायक बने, चुनाव जीत गए शिवचरण शर्मा जी के बेटे। अब तैयारी 2024 की है। 2024 को लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपनी जो रणनीति है वो बना रहे हैं, उसके अंदर कौन से अमिटमेंट किए जाए, क्या क्या परिवर्तन हो, इस सब पर ध्यान सबका है। और प्रदेश की जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये एक एक सीट पर निगाह रखे हुए हैं कि कहां पर कौन सा चेहरा ज्यादा मुफीद साबित होगा। तो फिर निगाह रखे हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल, जिनका बसपा से गठबंधन है, वो भी कि जिन नेताओं को अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा आखिर वो भी तो उनके पास जाएंगे। निगाह दुष्यंत चौटाला की भी है कि कैसे जिस प्रकार से 2019 में 10 का दम दिखा दिया था, 10 विधायक बना लिए थे भानुमति का कुनबा जोड़ करके, कुछ वहां भी हो सकता है। यानी कि जिन लोगों को कांग्रेस बीजेपी में जो जमे हुए नेता हैं वहां जगह नहीं मिलेगी, तो वो फिर इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और या फिर इंडिपेंडेंट, तो अपने हाथ में है। मैं आपसे बात कर रहा हूं फरीदाबाद एनआईटी की, और मैंने आपसे कहा था एक ऐसे नेता, और मैंने बताया था उन नेता का नाम है अवतार सिंह भड़ाना। आपको पहले अवतार सिंह भड़ाना का, जो राजनीतिक लोग हैं वो तो जानते हैं, जो पुराने लोग हैं वो और बढ़िया से जानते हैं, लेकिन जो प्रथम मतदाता होंगे, पहली बार के मतदाता, और या फिर जिनका पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान नहीं होता, मैं उनको बताता चलूं। हरियाणा की राजनीति में अवतार सिंह भड़ाना सक्रिय हुए 1989 के अंदर, 1989 हरियाणा के अंदर सरकार हुआ करती थी चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल ने बिना विधायक बने अवतार सिंह भड़ाना को हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया, गुजर नेता के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया अवतार सिंह भड़ाना को। लेकिन अवतार सिंह भड़ाना ने जो लोकदल का साथ रहा,
चौधरी देवीलाल की पार्टी का जो साथ रहा वो लंबे दिन साथ नहीं दिया, लंबा समय साथ नहीं दिया। 1991 आते आते अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस में शामिल हो गए और फरीदाबाद से उनको कांग्रेस ने अपना लोकसभा का कैंडिडेट बना दिया। 1991 में अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव जीत गए, पहली बार सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद में 1991 का दौर था जब हरियाणा के अंदर चौधरी भजनलाल की सरकार थी, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे। अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस के सांसद हुए। कभी तो अवतार सिंह भड़ाना और भड़ाना ब्रदर्स का चौधरी भजनलाल की पार्टी में ठीक ठाक जुगाड़ था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वहां पर उनकी पटरी बैठनी बंद हो गई। जो उनका साथ था चौधरी भजनलाल के साथ में, प्रदेश में सरकार तो थी लेकिन अवतार सिंह भड़ाना का 36 का आंकड़ा शुरू हो गया, दूर होते गए धीरे धीरे। 1996 आ गया। 1996 में भी फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े, हार गए, कामयाबी नहीं मिली। 1998 का चुनाव आया, क्योंकि आपको ध्यान होगा जो पुराने लोग हैं कि 1996, 98 और 99 ये तीन चुनाव लगातार साथ साथ हुए थे। पहले 96 में हुआ, फिर 1998 में हुआ, फिर 1999 में हुआ। तो 1996 में चुनाव अवतार सिंह भड़ाना हार गए। 1998 में अवतार सिंह भड़ाना को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं बनाया तो वो नारियल का पेड़ का चुनाव निशान लेकर के मैदान में आ गए स्वर्गीय चंद्रशेखर की पार्टी से। चुनाव लड़ा लेकिन सफलता नहीं मिली, हार गए 1998 में। 1999 का चुनाव आते आते अवतार सिंह भड़ाना शामिल हो गए वापस कांग्रेस में, और कांग्रेस में जाकर के कांग्रेस ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया अवतार सिंह भड़ाना को, उत्तर प्रदेश की मेरठ मवाना लोकसभा सीट से। 1999 का चुनाव मेरठ मवाना से अवतार सिंह भड़ाना जीत गए बतौर कांग्रेस कैंडिडेट, सांसद बन गए। और सांसद बन के वापसी उनका फिर रुख कर लिया फरीदाबाद की तरफ। 2004 का लोकसभा चुनाव आ गया, 2004 का, और 2004 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो हवा थी वो कांग्रेस के पक्ष में धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। कांग्रेस से अवतार सिंह भड़ाना कैंडिडेट हुए 2004 में और चुनाव जीत गए, सांसद बन गए। रामचंद्र बैंदा को उन्होंने हराया, भाजपा के कैंडिडेट थे। 2009 में फिर से अवतार सिंह भड़ाना को कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया गया और वो 2009 का चुनाव भी जीत गए कांग्रेस से लगातार, हरियाणा से दूसरी बार और मेरठ उत्तर प्रदेश लगा ले तो उनकी हैट्रिक बन गई सांसद की 1999, 2004, 2009। 2014 का चुनाव आ गया। 2014 के चुनाव में अवतार सिंह भड़ाना को कांग्रेस ने फिर टिकट दिया, लेकिन अवतार सिंह भड़ाना इस चुनाव में फरीदाबाद से हार गए। मोदी लहर थी, मोदी वेव के अंदर कृष्ण पाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद बन गए, अवतार सिंह भड़ाना चुनाव हार गए। अवतार सिंह भड़ाना चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद में धीरे धीरे उनका कांग्रेस से फिर से मोह भंग हो गया। 2017 आ गया। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव आ गया, और उससे पहले दिल्ली का विधानसभा चुनाव आया, और उससे पहले हरियाणा का चुनाव आया। यानी कि 2014-14 में जो चुनाव हारे अवतार सिंह भड़ाना, उसके बाद कुछ दिन तो उनका मन लगा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ, और उसके बाद में उन्होंने रुख कर लिया फिर भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले ही वो भाजपा में शामिल हो गए, और 2017 में अवतार सिंह भड़ाना को उत्तर प्रदेश की मीरपुर विधानसभा सीट से कैंडिडेट बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, एमएलए का कैंडिडेट। और अवतार सिंह भड़ाना पहली बार विधायक भी बन गए यूपी की मीरपुर विधानसभा सीट से। फिर 2019 आ गया। मीरपुर का विधायक बनते ही अवतार सिंह भड़ाना को फिर हरियाणा की याद आने लगी, हरियाणा के दौरे फिर शुरू हो गए। मनोहर लाल को कभी उनके शान में कसीदे पड़े, कभी उनके बारे में कुछ और बातें भी कही, भाजपा में थे ही, भाजपा से कृष्ण पाल गुर्जर जमे हुए थे। तो इधर चलते चलते 2019 में भाजपा का विधायक रहते हुए अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ा 2019 में फरीदाबाद लोकसभा से। कांग्रेस ने टिकट दे दिया, लेकिन अवतार सिंह भड़ाना 2014 से भी ज्यादा बड़े मतों के अंतर से चुनाव हार गए। 2019 का चुनाव ऐसा चुनाव था जिसके अंदर लगभग 6.5 लाख 6.75 लाख वोट से अवतार सिंह भड़ाना चुनाव हार गए, कृष्ण पाल गुर्जर जीत गए। उसके बाद में वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने रहे। हालांकि वो कांग्रेस उन्होंने कब छोड़ी नहीं छोड़ी, भाजपा में क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन विधायक का टर्म उनका पूरा हुआ पूरे 5 साल 2022 तक।
2022 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2022 में अवतार सिंह भड़ाना ने चुनाव लड़ा हैंडपंप से। हैंडपंप है चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी की पार्टी का निशान, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल का निशान, और जेवर विधानसभा सीट से कैंडिडेट हुए अवतार सिंह भड़ाना। बात बनी नहीं, वहां भी हार के आए चुनाव 2022 में। उसके बाद में अवतार सिंह भड़ाना नेपथ्य में चले गए, शांत थे, गतिविधियां कोई थी नहीं। अभी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इस लोकसभा चुनाव में वो शामिल हुए वापस कांग्रेस के अंदर, और चौधरी महेंद्र प्रताप का लोकसभा चुनाव में साथ दिया। कई जगह उनको देखा गया जब वो उनके लिए वोट की अपील कर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में महेंद्र प्रताप जी चुनाव हार गए, कृष्णपाल गुर्जर जीत गए, लेकिन अवतार सिंह भड़ाना अपने लिए फिर राजनीति का देखने लगे कि कौन सा नया खेल शुरू किया जाए राजनीति का। और अब उनको मिली है NIT विधानसभा सीट। मेरे राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि अवतार सिंह भड़ाना इस समय पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं NIT सीट के लिए। पाखल गांव के कुछ लोग मेरे से टेलीफोनिक कल बात हो रही थी, आज कुछ पलवल के लोगों से बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि अवतार सिंह भड़ाना आए थे पाखल वाले लोग, और पलवल के लोग बता रहे थे कि अवतार सिंह भड़ाना से टेलीफोनिक बातचीत हुई थी कि अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद की NIT विधानसभा सीट से ताल ठोकने की तैयारी में हैं। यानी कि पंडित जी को खतरा, पंडित जी की टिकट को खतरा, पंडित नीरज शर्मा के टिकट के लिए। अवतार सिंह भड़ाना कितने सक्रिय हैं आप इससे कुछ लगाओ कि पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा आए थे फरीदाबाद, तो दीपेंद्र हुड्डा का खैर मकदम करने अवतार सिंह भड़ाना पहुंचे हुए थे वहां। दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा जो चल रही है आजकल, हरियाणा जवाब मांगे, हरियाणा हिसाब मांगे, क्या यात्रा चल रही है दीपेंद्र जी की, उस यात्रा के अंदर भी शामिल हुए वो मेवात नूह जिले में जाकर के। मेरे राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि अवतार सिंह भड़ाना कुमारी शैलजा के पास भी, उनकी भी मिजाज पुरसी कराए हैं, मिलाए हैं उनसे भी जाकर के, जीत की बधाई दे आए हैं उनको भी। राज बब्बर पुराने सहयोगी हैं बता रहे हैं, राज बब्बर भी वकालत कर रहे हैं अवतार सिंह भड़ाना की। महेंद्र प्रताप फरीदाबाद लोकसभा के कैंडिडेट थे ही, जो 2019 में उनको टिकट मिला अवतार भड़ाना को लोकसभा का कांग्रेस का, उसमें भी आपको मैं ध्यान दिलाता चलूं क्योंकि तार से तार जुड़ते हैं। 2019 का चुनाव था लोकसभा का, इस लोकसभा चुनाव के लिए पहले कांग्रेस ने ललित नागर को अपना कैंडिडेट बना दिया था, ललित नागर जो तिगांव के उस समय के विधायक थे, अब पूर्व विधायक हैं, लेकिन एकदम से ललित नागर का टिकट कटा और अवतार सिंह भड़ाना को मिला। राजनीतिक गलियारों में लोग ये चर्चा करते हैं कि अवतार सिंह भड़ाना की पैरवी महेंद्र प्रताप ने भी की थी तब 2019 में, और उसका बदला अवतार सिंह भड़ाना ने चुकाया। उन्होंने महेंद्र प्रताप जी के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग, लोगों के बीच खूब गए, वोट मांगी, हालांकि महेंद्र प्रताप जी चुनाव जीत नहीं पाए, हार भरे ही गए। अब बता रहे हैं कि मैंने आपको नाम गिनवा दिए, दीपेंद्र हुड्डा का खैर मकदम करके आए, उनकी यात्रा में शामिल हुए, कुमारी शैलजा के साथ जा करके उनके दरबार में भी हाजिरी दे करके आ गए, राज बब्बर से उनसे उनके पुराने संपर्क है बता रहे हैं, राज बब्बर ने भी पैरवी की है, महेंद्र प्रताप उनकी पैरवी कर ही देंगे ऐसा लगता है फरीदाबाद की NIT विधानसभा सीट के लिए। और इन सबको देखते हुए NIT के अंदर अब राजनीतिक पारा कन्फर्म मानने की गरमाएगा, क्योंकि NIT में अब की बार धुरंधर तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से यह लगातार एक चर्चाओं में नाम है देवेंद्र चौधरी का। देवेंद्र चौधरी यानी कि कृष्णपाल गुर्जर के बेटे, केंद्रीय राज्य मंत्री, फरीदाबाद के हैट्रिक सांसद, फरीदाबाद के हैट्रिक सांसद कृष्णपाल गुर्जर और उनके बेटे देवेंद्र चौधरी का नाम फरीदाबाद की NIT विधानसभा सीट पर बड़ी गंभीरता से चल रहा है, लोग बातचीत कर रहे हैं आजकल। इधर अगर अवतार सिंह भड़ाना ताल ठोकते हैं NIT में और उनकी भी कोई बात बन जाती है, और इधर देवेंद्र चौधरी की बात बन जाती है, तो फिर मान लीजिए कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि पंडित नीरज शर्मा भी चुप तो बैठेंगे नहीं, चुनाव तो उनको भी लड़ना है। अगर कहीं कांग्रेस ने नीरज शर्मा के बजाय अवतार सिंह भड़ाना को कैंडिडेट बना दिया, इधर नगेंद्र भड़ाना भी अपनी ताल ठोक रहे हैं आजकल, मिल रहे हैं लोगों के बीच में जाकर के। कल मैं उनकी सोशल मीडिया, उनके फेसबुक वॉल पर देख रहा था, वो धौज गांव में गए हुए थे, लोग उनका, मुस्लिम मेव समाज के लोग उनका स्वागत कर रहे थे। यानी कि अवतार सिंह भड़ाना के यहां पर अखाड़े में अगर लंगोट घुमा देते हैं, NIT के चुनावी अखाड़े में अगर अवतार सिंह भड़ाना का लंगोट घूम गया, तो फिर आप मान लेना
कई लोग तो टिकट में चित्त होंगे और फिर कई लोग मैदान में क्या होगा, चुनाव कैसा होगा, इस पर चर्चाएं रहेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, जो हमारे फरीदाबाद पलवल के सुधी दर्शक हैं, आपको क्या लगता है कि क्या अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद NIT से कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं? क्या कांग्रेस उन पर भरोसा जता सकती है? क्या नीरज शर्मा, जो 2019 के चुनाव में विधायक बन गए और दो बार विधायक पिता पुत्र रह चुके हैं, क्या उनकी टिकट को कांग्रेस आसानी से काट देगी? और आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद NIT का चुनावी समर रहेगा कैसा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।